1960 और 70 के बीच में, या कह लें कि 1965 और 75 अगर एग्जैक्ट तारीख में आते हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे आलमी मुस्लिम सरबराहान थे जिनकी मौत हुई या वो पॉलिटिकली पैरालाइज कर दिए गए। उनके नामों की लिस्ट अगर देखते हैं तो उनके काम आपसे शेयर करना चाहेंगे। उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की, शाह फैसल की, जो सऊदी अरब के फरमारवा थे। उसके बाद आते हैं अनवर सादात, जमाल अब्दुल नासिर, मिस्र से ताल्लुक, वहाँ के सरबराह रह चुके हैं, एक सदर रह चुका है वहाँ का मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री चीफ। उसके बाद आते हैं फलस्तीन के लीडर यासिर अराफात और मामर कज़ाफी, 6 लोग 10 साल, और या तो उनकी असैसिनेशन, कत्ल, मौत या पोलिटिकली पैरालाइज। ये छह लोग क्या काम कर रहे थे? इनके काम 1960 या 50 से लेके ऑनवर्ड 75 तक, जब तक कि इनकी मौत या पॉलिटिकली पैरालाइज नहीं हो गए, उन तमाम को लिस्ट आउट करके इनके कारनामे अपने मुमालिक के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए देखें, और उसके बाद देखिए इनकी एक डेकेड के अंदर ऊपर तले मौत या पॉलिटिकली इनकी असैसिनेशन। इनके कामों से आपको अंदाज़ा होगा कि इनको किस चीज़ की सज़ा मिली है। हम सिर्फ हकाइक रखने आए हैं, बारहा ये बता रहे हैं। ये ना कहिएगा कि बढ़ा दिया है फकत जेब दास्तां के लिए। जेब दास्तां के लिए और बहुत से मामले हैं जिसके लिए मीडिया ऑलरेडी बदनाम है कि वो सिर्फ जेब दास्तां के लिए बहुत सी चीज़ों को कभी कॉन्स्पिरेंसी और भी कॉन्ट्रोवर्शियल बना देता है। लोगों को उलझाने का काम ये मीडिया करता है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं, जेब दास्तां नहीं कर रहे। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, 1965 तारीख दोहराते हैं, 1965 से 1975, इन 10 सालों के बीच में इन 6 लीडर्स ने क्या किया अपने अपने ममालिक के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए, करने की क्या कोशिश की, और उनकी कोशिशों के सिले में उनके साथ क्या किया गया। बहुत से जवाब आपको खुद मिल जाएंगे और बहुत से सवाल भी खुल जाएंगे जिनके जवाब ढूंढने के लिए फिर आपके और हमारे जैसे लोग मौजूद होंगे। जहां हम बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बारे में पेशन गोई की गई थी 1947 से पहले, और वो पेशन गोई किस हद तक साबित हो रही है, वो आपके सामने है, जिसमें से कुछ हम अभी गिनवा चुके हैं। कहा गया था कि जैसा कि बैल्किन स्टेट्स और अरब रियासतों के साथ हुआ, और वो जिस तरह से जुदा होती रहीं उस तरह से पाकिस्तान भी अलग अलग हो जाएगा, ये कहा गया। लेकिन आज कोशिशें भी की जा रही हैं, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर में, पंजाब में, साउथ पंजाब में, और उसके अलावा बाकी इलाकों में जहां पर भी मुमकिन हो सकता था, कभी कलभूषण तो कभी छोटू गैंग, और कभी ऐसे बहुत से अनासिर जो कर सकते हैं अलैदगी, उनको लाया जा रहा है। पॉलिटिकली कवर कैसे मिलता है ये भी आप देख लेते हैं। उसके बाद इनको फाइनेंशियल एड कैसे आती है ये भी आप देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉबिंग को कैसे वीक किया जाता है ये भी आपके सामने होता है। लेकिन इस सब के लिए हम कहाँ पर होते हैं? वो आवाम जो सब कुछ देख रही है, जो सब कुछ कर रही है, आवाम भी चुन रहे। अपने वोट को आप जब देते हैं तो आप अपना पूरा इख्तियार उस लीडर के हाथ में देते हैं, उस लीडर के हाथ में देते हैं जो आज 2016 का लीडर है, 2016 का लीडर और 1947 का लीडर। इसी बारे में आज बात हो रही है कि वो 1947 का लीडर जिसने जब एक महज मोज़े ख़रीदने थे तो क्या कहा अपने एडीसी को, उसके बाद आज का जब हम देखते हैं अपना आज का सरबरा, हम बात नहीं कर रहे कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, हम उस हर सरबरा की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में अपने आप को सरबरा गिनवाना चाहता है या मनवाना चाहता है, वो गवर्नमेंट में आ चुका हो या आने की ख्वाहिश रखता हो, हम उन सब की बात कर रहे हैं। ये जो तुमने अंदाज अपना बदला है, ये बदला है या बदला है, यानी कि चेंज है या रिवेंज है? 1947 के लीडर और आज के लीडर, जो अंदाज बदला है ये किस तरह का बदला है, ये जानना चाहते हैं। इकबाल पूछ गए थे बहुत पहले, आज हम जानना चाहते हैं। लीडर वो भी थे जो 1947 में थे, लीडर आज भी जो 2016 तक आ रहे हैं, लेकिन जो अंदाज बदला है वो किसने बदला है, या फिर ये बदला है, यानी कि ये रिवेंज है किसी चीज़ का? सिर्फ इस ये जानना मकसद है कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, अगर आप कहते हैं कुछ नहीं दिया तो फिर आज तक इस मुल्क में रहने की वजह क्या है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो एक आम आदमी के सवाल हैं, लेकिन आम आदमी शायद पूछ नहीं सकता क्योंकि वो अपने बहुत से मसलों में उलझा हुआ है। 1,40,000 रुपये का जिसके ऊपर कर्जा है पर पर्सन, जिसकी इनकम पर मंथ महज 6,000 रुपये, ये वो रेशो है जो हमारी नहीं है, ये IMF की रेशो है, ये रेशो उन्होंने हमें दी थी, और अगर ये महाना आमदनी है, ये कर्जा है पर पर्सन, तो वो कैसे सोच सकता है किसी भी सवाल का?
लेकिन आज हम अपनी से कोशिश कर रहे हैं ऐसे बहुत से सवाल पूछने की 1947 से पहले जो पेशन गोईयाँ की गई वो आपसे शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक पेशन गोई ये भी थी कि ना अहल सियासी क्यादत फौजी आमिरों की राह हमवार कर देगी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि फौजी आमिर आ जाते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी राहें हमवार किसने की थी। हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये 1947 का पाकिस्तान भी चाहता था और आज भी चाहता है, लेकिन उनकी राहें हमवार कौन करता है ये अनासिर के बारे में कभी नज़र नहीं रखी जाती। अगर आज हम रखने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमें भी कहा जाएगा कि ये उन्हीं में से हैं जो फौजी आमिरों की राहें हमवार करते हैं। लेकिन सवाल इतना है कि उनकी राहें हमवार करने वाले कौन थे। हम 1947 के पाकिस्तान में वापस इसलिए जाना चाहते हैं कि तब 1,40,000 रुपये का कर्ज़ा नहीं था, हर न्यू बॉन्ड पे नहीं था, लेकिन आज 2016 में है। हम क्यों जाना चाहते हैं 1947 के पाकिस्तान में, क्योंकि उसका लीडर जब एक मेज़ और कुर्सी के लिए इजाज़त तलब करता है और इजाज़त नहीं मिलती तो माफ़ीनामा देता है अपनी मिनिस्ट्री को, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को। इसलिए हम जाना चाहते हैं उस पाकिस्तान में क्योंकि उस वक्त लीडर थे। नेल्सन मंडेला एक बहुत ही शानदार आदमी गुजरा है जिसने कौम बनाई है। उसने कहा वोट के लिए तो सियासतदान जाते हैं लेकिन कौम के लिए लीडर जाते हैं। तो आपके पास जो आता है वो वोट के लिए आता है, लीडर कौम के लिए जाता है क्योंकि उसको कौम बनानी होती है। 1947 के पाकिस्तान में हमें इसलिए जाना है क्योंकि जब कौम बनाने के लिए लीडर आया था, अवाम के लिए लीडर आया था, वोट के लिए नहीं आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सक्सेस है। 1973 में हमें ये सक्सेस मिल गई थी। सोल कहते हैं, रूह कहते हैं किसी रियासत की, जिस रूह के साथ हमने क्या किया, इस रूह के जितने चीथड़े थे आज 24 होने जा रहे हैं। एक बिल है जो पार्लियामेंट में पास होने के लिए बस आया चाहता है, वो 24वीं अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, 24वां टुकड़ा इस सोल का होने वाला है। ये वो सोल थी जिसे आप सक्सेस कहते हैं, स्टेट की रियासत की रूह होती है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सक्सेस थी। तो इसके भी आपने तकरीबन 24 टुकड़े तो कर ही दिए हैं। किस नाम पे किए हैं ये देख लेते हैं अगर ज़रूरत थी। 400 साल से ज़्यादा शायद अमेरिका को हो गए हैं लेकिन आज तक उसकी अमेंडमेंट्स 24 तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन हम महज 70 सालों हमारी तख्लीक को है और 1973 से अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तख्लीक देखते हैं तो वो इससे भी बहुत कम है और इसमें आप 24 तक पहुंच गए हैं अपनी सोल के चीथड़े करने में। तो आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सी सक्सेस है जो आपने आज तक ली है। न्यूक्लियर जिसको हमने ना सिर्फ एक्वायर कर लिया है उसके बाद अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म वाला रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट बना लिया है, ठीक है हमारी सक्सेस। लेकिन इस सक्सेस के लिए हमने उन लोगों ने कोशिश की है जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में कुछ नहीं किया, इन अमेंडमेंट्स में कुछ नहीं किया। उसके बाद इन कोशिशों को सराहने के लिए जब इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारे सरबराहान को जाना था तो क्या वो गए, ये सवाल भी आप पे छोड़ते हैं।